सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोन के बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है? क्योंकि काफी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि उनके फोन की जो बैटरी है वो ऑटोमेटिक ड्रेन हो जाती है, जल्दी खत्म हो जाती है, वो फोन को पूरा दिन यूज नहीं कर पाते हैं। इस वीडियो में गाइस मैं आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जो हम अपने फोन में करते हैं, जिसकी वजह से हमारे फोन की जो बैटरी है वो जल्दी से खत्म हो जाती है, जल्दी से ड्रेन हो जाते हैं और हम अपने फोन को पूरा दिन यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसे मैंने 10 पॉइंट को हाईलाइट किया है जिसके बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से गाइस हमारे फोन की बैटरी जल्दी से खत्म हो जाती है, जल्दी से ड्रेन हो जाती है, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पे जो पहला पॉइंट है, पहली गलती है, वो है मोबाइल का वाइब्रेशन, ठीक है? क्योंकि गाइस काफी सारे लोग अपने फोन में मोबाइल में वाइब्रेशन को ऑन करके रखते हैं, ठीक है? जब उनके पास कॉल आता है तब आपका फोन वाइब्रेट होता होगा, मैसेज पे वाइब्रेट होता होगा, इसके साथ में गाइस जब आप कीपैड पे टाइपिंग करते होंगे, कीबोर्ड में टाइपिंग करते होंगे तब वाइब्रेट होता होगा, ठीक है? इसकी वजह से गाइस आपके फोन की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। अब काफी सारे लोग ये बोलेंगे कि यार वाइब्रेशन से क्या कनेक्शन है, ठीक है? तो मैं आपको बता दूं कि फोन में एक वाइब्रेशन मोटर होता है, जब आप अपने फोन में ज्यादा वाइब्रेशन को यूज करते हो तो दोस्तों जो मोटर है वो रन करता है, क्योंकि जो मोटर है वो मैकेनिकल पार्ट है, इसकी वजह से गाइस वो बैटरी को ज्यादा कंज्यूम करता है, ठीक है? और जब भी आप वाइब्रेशन को यूज करते हो तो दोस्तों आपके फोन की बैटरी कंज्यूम होती है और जल्दी से खत्म हो जाती है। तो सिंपली गाइस आपको अपने फोन में वाइब्रेशन को ऑफ करके रखना है, ठीक है? क्योंकि गाइस काफी सारे लोग अपने फोन को हमेशा वाइब्रेशन पे ही रखते हैं, जिसकी वजह से गाइस उनके फोन की बैटरी पूरा दिन नहीं चलता है। अगर आपने कीपैड में कीबोर्ड में वाइब्रेशन को ऑन कर रखा है, जब आप टच करते हो आपका फोन वाइब्रेट होता है, तो सिंपली गाइस आपको इन सब जगहों से वाइब्रेशन को बंद कर देना है, ठीक है? अब गाइस जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है ऐप का नोटिफिकेशन, ठीक है? आप अपने फोन में काफी सारे अननेसेसरी एप्लीकेशन रखते हो। अगर आप फोन में चेक करोगे तो आपको लगभग 15 से 20 ऐसे एप्लीकेशन मिल जाएंगे जिनको आप यूज नहीं करते हो, ठीक है? अब गाइस क्या होता है कि ये जो एप्लीकेशन है ये हमें डेली नोटिफिकेशन भेजते हैं, जिसकी वजह से गाइस हमारे फोन की जो बैटरी है वो ड्रेन होती है, जल्दी से खत्म हो जाती है। आपको इस चीज का ध्यान देना है कि जितने भी आपके फोन में अननेसेसरी एप्लीकेशन है उनका नोटिफिकेशन ऑफ करके रखना है, ठीक है? ऑफ करने के लिए सिंपली आपको फोन के सेटिंग में जाना है, वहां पे आपको एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, आपको नोटिफिकेशन में जाना है और गाइस आपको वहां पे ऐप नोटिफिकेशन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है? तो गाइस जितने भी एप्लीकेशन को आप यूज नहीं करते हो तो सिंपली आपको उन एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन ऑफ कर देना है, जिससे गाइस अननेसेसरी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा और आपके फोन की बैटरी जल्दी खत्म नहीं होगी, ठीक है? आपको इस चीज का ध्यान देना है। इसके बाद गाइस अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है वह है ऑटो ब्राइटनेस, ठीक है? काफी सारे लोग अपने फोन में ऑटो ब्राइटनेस को ऑन करके रखते हैं, जिसकी वजह से फोन की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। दोस्तों जो ऑटो ब्राइटनेस है वो फोन के बैटरी को ज्यादा कंज्यूम करता है। अब मैं आपको बता दूं कि आखिर वो कैसे कंज्यूम करता है। जब आप कहीं अंधेरे में आते हो, ठीक है, तो ऑटोमेटिक आपके फोन का जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाता है, ठीक है? लेकिन गाइस जब जैसे ही आप उजाले में जाते हो तो आपके फोन का जो ब्राइटनेस है वो फुल हो जाता है, जबकि गाइस उस टाइम पे आप अपने फोन को यूज भी नहीं करते हो, तब भी गाइस क्या होता है कि धूप की वजह से, उजाले की वजह से ऑटोमेटिकली आपके फोन का जो ब्राइटनेस है वो फुल हो जाता है और गाइस आपके फोन की बैटरी को वो कंज्यूम करता है, आपके फोन के बैटरी को वो खत्म करता है। सिंपली गाइस आपको अपने फोन के ब्राइटनेस को ऑटो मोड पे कभी भी नहीं रखना है, आपको उसको मैनुअल सेट करके रखना है, जितनी आपको जरूरत हो आपको उसको उतना बढ़ा के यूज करना है, ठीक है? आपको इस चीज का ध्यान देना है। दोस्तों अब जो हमारा चौथा पॉइंट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चौथा पॉइंट है बैकग्राउंड ऐप रिस्ट्रिक्शन, ठीक है? काफी सारे एप्लीकेशन हम अपने फोन में यूज करते हैं और गाइस हम एप्लीकेशन को क्लोज नहीं करते, वो एप्लीकेशन हमारे फोन के बैकग्राउंड में रन करते हैं, ठीक है? जिसकी वजह से गाइस वो हमारे फोन की बैटरी को कंज्यूम करते हैं और गाइस जिसकी वजह से हमारे फोन की बैटरी जल्दी से खत्म हो जाती है। तो सिंपली गाइस आपको इसको रिस्ट्रिक्ट करना होगा, इसके लिए आपको फोन के सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैटरी एंड परफॉर्मेंस का, ठीक है? आपको बैटरी एंड परफॉर्मेंस को ओपन करना है, उसके बाद आपको वहां पे मिल जाएगा बैकग्राउंड ऐप रिस्ट्रिक्शन का, ठीक है? सिंपली गाइस आपको वहां से बैकग्राउंड के एप्स को रिस्ट्रिक्ट कर देना है, कोई भी एप्लीकेशन आपके फोन के बैकग्राउंड में रन नहीं करेगा और दोस्तों आपके फोन की बैटरी ड्रेन नहीं होगी। सिंपली गाइस आपको इस सेटिंग को ऑन कर देना है, ठीक है? आप दोस्तों हमारा जो पांचवा पॉइंट है वो है वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, ऑटो रोटेशन, ठीक है?
क्योंकि गाइस जब आप एप्लीकेशन कोई भी इंस्टॉल करते होंगे प्ले स्टोर से, तो काफी सारे एप्लीकेशन बहुत सारे परमिशन मांगते हैं, काफी सारे एक्सेस मांगते हैं, ठीक है। वो आपके वाईफाई को ऑन करते हैं, जीपीएस को ऑन करते हैं, ब्लूटूथ को ऑन करते हैं। और दोस्तों जब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके यूज करते हो तो आपको इन परमिशन को अलाउ करना होता होगा, ठीक है। लेकिन गाइस जब हम एप्लीकेशन को बंद कर देते हैं तब भी हमारे फोन में वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ ऑन रहता है, जिसकी वजह से गाइस हमारे फोन की जो बैटरी है वो ड्रेन होती है, जल्दी से खत्म हो जाती है। क्योंकि गाइस हमें ध्यान ही नहीं रहता है कि हमारे फोन में ये सब चीजें ऑन है, और गाइस हमारे फोन की बैटरी जब खत्म हो जाती है तब हमें समझ में नहीं आता कि आखिर हमारे फोन की बैटरी कैसे ड्रेन हो गई, कैसे खत्म हो गई, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो वाईफाई होता है, ब्लूटूथ होता है, जीपीएस होता है, ये काफी तेजी से बैटरी को ड्रेन करता है, काफी तेजी से खत्म करता है। अगर आप अपने फोन को यूज कर रहे हो, आपका फोन 4 घंटे चलने वाला है, अगर दोस्तों आप अपने फोन में इन सब चीजों को ऑन कर दोगे तो 2 घंटे में आपके फोन की जो बैटरी है वो ड्रेन हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो सिंपली गाइस आपको इन सब चीजों को चेक करते रहना चाहिए, जिससे गाइस आपके फोन की बैटरी सेव होगी, लॉन्ग टाइम तक आप अपने फोन को यूज कर पाओगे, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने फोन को वाईफाई से चलाते हो तो दोस्तों आप अगर कहीं बाहर जा रहे हो, ठीक है, तो सिंपली आपको अपने फोन के वाईफाई को बंद कर देना चाहिए। काफी सारे लोग वाईफाई को ऑफ करना भूल जाते हैं जब वो बाहर जाते हैं, तो दोस्तों उनका वाईफाई ऑन रहता है, रन करता रहता है, स्कैनिंग करता रहता है, जिसकी वजह से उनके फोन की बैटरी ड्रेन हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो सिंपली गाइस आपको वाईफाई को हमेशा ऑफ करके रखना। आप दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है ये काफी ज्यादा यूजफुल है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हमारे फोन में एक सेटिंग होता है, एक ऑप्शन होता है, ऑटो अपडेट ऐप, ऑटो अपडेट सॉफ्टवेयर, ठीक है। गाइस हम अपने फोन में काफी सारे एप्लीकेशन यूज करते हैं और डेली किसी ना किसी एप्लीकेशन का अपडेट आया रहता है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि अपने प्ले स्टोर में सेटिंग को ऑफ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से गाइस ऑटोमेटिकली हमारे फोन के एप्लीकेशन अपडेट होते रहते हैं और हमारे फोन का जो डेटा है वो भी खत्म होता है। इसके साथ में बैटरी कंज्यूम करता है, बैटरी जल्दी से खत्म हो जाता है। क्योंकि गाइस अगर आप प्ले स्टोर में जाके चेक करोगे तो दोस्तों आपको वहां पे मिलेगा कि आपके फोन में जितने भी एप्लीकेशन है उनके डेली अपडेट आते रहते हैं, नए नए अपडेट्स आते रहते हैं, ठीक है। और गाइस हमारे फोन के जितने भी एप्लीकेशन है वो ऑटो अपडेट पे रहते हैं, ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहते हैं, जिसकी वजह से फोन की बैटरी जल्दी से खत्म हो जाती है। तो सिंपली गाइस आपको प्ले स्टोर में जाना है और वहां पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, डोंट ऑटो अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको उस पर टिक कर देना है, ऑटोमेटिकली आपके एप्लीकेशन अपडेट नहीं होंगे और गाइस आपके फोन की जो बैटरी है वो सेव रहेगी। अगर आप कहीं बाहर जाओगे तब भी गाइस आपके फोन की बैटरी जल्दी खत्म नहीं होगी। इसके साथ में गाइस एक पॉइंट और है सॉफ्टवेयर अपडेट का, ठीक है। दोस्तों हमारे फोन में काफी सारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अपडेट्स आते रहते हैं, सिक्योरिटी पैचेस के अपडेट्स आते रहते हैं, और गाइस ये भी ऑटो अपडेट पे सेट रहता है, जिसकी वजह से हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे फोन की बैटरी जल्दी से खत्म हो जाती है। सिंपली गाइस आपको सॉफ्टवेयर अपडेट में जाना है, वहां पे डोंट ऑटो अपडेट को टिक कर देना है, ठीक है, जिससे गाइस अगर आपके फोन में कोई भी सॉफ्टवेयर का अपडेट आएगा, सिक्योरिटी पैचेस के अपडेट आएंगे, वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होंगे, जब आप चाहोगे तभी वो अपडेट होंगे। सिंपली गाइस आपको इतना सेटिंग करना है, इतनी चीजों का ध्यान देना है। दोस्तों कभी भी आपके फोन की जो बैटरी है वो ड्रेन नहीं होगी, जल्दी खत्म नहीं होगी, आप अपने फोन को लॉन्ग टाइम तक यूज कर पाओगे, सिर्फ आपको इतनी बातों का ध्यान देना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद,